पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो, जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते, करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रख कर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रख कर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोलिए कहाँ होना चाहिए, नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधे ही रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभू शरण।